नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन ट्रेंड चैनल पे और मैं हूं संजीव आपका होस्ट। जो आज हम लोग आपस में बातें करेंगे प्रोग्रामिंग की, पाइथन के प्रोग्रामिंग की। जो हम लोगों ने पिछले दो एपिसोड बनाए उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हम एक सीरीज वाले प्रोग्राम, एक जो लीनियर प्रोग्राम्स हैं उनको करते हैं। मतलब इनपुट लिया, प्रोसेस लिया और आउटपुट दिया, जिसमें हम लोगों ने कई सारे फॉर्मूले के सीधे सीधे प्रोग्राम्स बनाकर मतलब देखे थे। आज हम लोग देखेंगे ऐसे प्रोग्राम्स जो एक सीड में चले जाते हैं, फिर एक कंडीशन के बाद या तो उनका रास्ता इस तरफ से जाना होगा या उनका रास्ता इस तरफ से जाना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल कंट्रोल प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे, ऐसे स्ट्रक्ट्स यूज करेंगे जो हमको एक कंडीशन के हिसाब से, अगर ट्रू है कंडीशन तो एक रास्ते से लेकर जाए, अगर फॉल्स है तो दूसरे रास्ते से लेकर जाए। तो चलिए सीधे आते हैं उस पर। जैसे आप इस फ्लो चार्ट को देखिए, जो ये मैं आपको पहले भी बनवा चुका हूँ कि हाउ टू मेक फ्लो चार्ट, आप लोग चाहे तो पुराना वीडियो हमारा देख सकते हैं। ये दो नंबर में से बड़ा नंबर निकालने के लिए छोटा सा फ्लो चार्ट है। स्टार्ट किया हमने प्रोग्राम को, इनपुट लिया ए और बी। इनपुट लेने के बाद हमने क्या किया, उसको चेक किया यहाँ पर कि क्या हमारा ए बी से बड़ा है। अब इसके आंसर दो ही आ सकते हैं, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, रिलेशनल स्टेटमेंट वही वापस करता है। तो अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो हमने ए इज ग्रेटर दिया और प्रोग्राम को एंड कर दिया, और अगर वो फॉल्स देता है तो फॉल्स में हम जाएंगे और उसको बी इज ग्रेटर करके एंड आ जाएंगे। यानी कि हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है वो ऊपर से यहां तक तो सीधे आएगा, यहां से वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे कि अगर ये ट्रू है तो ये रास्ते से जाएगा, अगर फॉल्स है तो इस रास्ते से जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है इफ को हम प्रयोग करेंगे पाइथन में। देखते हैं किस तरीके से प्रयोग करते हैं। फिलहाल तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम प्रोग्रामिंग में हर तरीका, मतलब जो हर मैक्सिमम पॉसिबल जो हमारे पाथ हैं, हमको उन सबको फॉलो करना पड़ता है। यूजर को तो एक बार रन कराया, उसको पता है कि हमने दो वैल्यू दी, उसने बड़ा निकाल कर दे दिया, कोई एक वैल्यू दे रहा है, लेकिन हमको पता है कि हमने दोनों के लिए प्रोग्रामिंग करके रखी है। इसके ट्रू के लिए भी प्रोग्रामिंग कर रखी है, इसके फॉल्स के लिए भी प्रोग्रामिंग कर रखी है। तो आइए पाइथन के कोड पर शुरू करते हैं हम लोग। तो हमने लिखा, सबसे पहले हमको ए और बी इनपुट लेने पड़ेंगे। मैं पाइथन का अपना ये खोल लिया, ये आ गए यहाँ पर, और ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, एक ये मैसेज दिया, और फिर हमने लिखा बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अनदर नंबर, एक और मैसेज दिया, ये बंद कर दिया। हमारे दो मैसेज ये कंप्लीट हो गए। इसको थोड़ा सा, ये जब मेरे पास स्पेस है तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से और बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। ये अब हमारा ए और बी आ गया कि हमारा ए और बी में जो इनपुट था वो हो गया। जब हम इसको रन करेंगे तो जो पहली वैल्यू है वो जाएगी ए में और दूसरी वैल्यू है वो जाएगी बी में, और ये हमारे मैसेजेस एज इट इज वहाँ पर प्रिंट होंगे आपसे वैल्यू इनपुट लेने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसको लिए हम लोग इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। तो इफ का मैं आपके सामने पहले सिंटैक्स लिख देता हूं। इफ यहां पर आप देते हैं कंडीशन कोलन, तो ये इसका ब्लॉक बनता है। यहां पर देखिए इसका ब्लॉक, जैसे ही कोलन लगाते हैं तो ब्लॉक, यानी चार स्पेस के बाद ये यहां से ब्लॉक आपको दे देता है। यहां पर आप अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट व्हेन कंडीशन इज ट्रू, और फिर आप लिखेंगे else, इसका भी आप ब्लॉक बनाएंगे, और यहां पर स्टेटमेंट्स when कंडीशन इज फॉल्स, ये इस तरीके से ये आपका सिंटेक्स है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ योर मीन्स इफ else स्टेटमेंट। और अब हम इस प्रोग्राम को इस इफ एल्स के साथ बनाकर देखेंगे। तो चलिए, ये हमारी कहलाती कंडीशन, जो हमने ए ग्रेटर देन बी रखा है ना, दिस इज कॉल्ड योर कंडीशन व्हिच विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स, तो उसको हम रखेंगे इस कंडीशन की जगह पे। तो चलिए हम इसको प्लेस करते हैं। ए ग्रेटर देन बी लिख दिया हमने यहाँ पर, ए ग्रेटर देन बी। उसके बाद स्टेटमेंट व्हेन स्टेटमेंट इज ट्रू, इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे ट्रू होने पर कि ये प्रिंट करे आपका ए इज ग्रेटर, तो प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे ए इज ग्रेटर, और इसके बाद हमने else में लिखा वो स्टेटमेंट जो फॉल्स होने पे काम करेगा। फॉल्स होने पर हमारा कौन सा काम करेगा, आप यहां पर गौर से देखिए, फॉल्स होने पर ये बी इज ग्रेटर देगा। तो प्रिंट बी इज ग्रेटर, स्पेलिंग सॉरी ठीक है,
चलिए अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए मैं आपके सामने ये आउटपुट बॉक्स खोल लेता हूँ। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बन गया, तो मैंने सेव किया और रन किया। तो आपसे ये पूछ रहा है एंटर अ नंबर, यहाँ पर देखिए एंटर अ नंबर पूछ रहा है। आपने दिया कुछ भी 23 दे दिया और अनदर नंबर आपने 45 दे दिया, तो ये आपको देगा आंसर में बी इज ग्रेटर। ये देखिए बी इज ग्रेटर आपको दिखा दिया है यहाँ पर। आप ए बड़ा दे दीजिए तो ए इज ग्रेटर दिखाएगा। तो ये आपको, मुझे लग रहा है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि तीन नंबर में से बड़ा नंबर कैसे निकालते हैं। ये दो नंबर का प्रोग्राम था, दो नंबर में से बड़ा निकालने के लिए इफ और एल्स को हमने बहुत बेहतर तरीके से समझा, उसका एक एग्जांपल देखा। अब आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज यू कैन पॉज योर स्क्रीन एंड नोट डाउन दिस प्रोग्राम। तो अब हम आते हैं सीधे अपने ये तीन नंबर में से बड़ा नंबर देखने वाला जो प्रोग्राम है हमारा। ये तीन नंबर आपके इनपुट हुए, इन तीन नंबर में से हम किसी दो को पहले मैच करेंगे, क्योंकि हम एक साथ सिर्फ दो को ही आपस में कंपेयर करा सकते हैं, तीन चीजों को आपस में कंपेयर नहीं करा सकते। तो आपने ए और बी में से कंपैरिजन सबसे पहले लिया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब आप फिर से चेक करेंगे ए को सी से, क्योंकि यहां से तो ए बी में से ए जीत के निकल आया, लेकिन अभी ए की सी से फाइट नहीं हुई, तो अब हम यहाँ ए और सी को फाइट कराएंगे आपस में। अगर इनमें से भी ए जीतता है, मतलब ए बड़ा निकलता है, तो ए बोलेंगे और अदरवाइज हम बोलेंगे कि सी इज ग्रेटर, यानी हम अंदर वाला पहले बंद करेंगे, यानी अंदर के जितने भी हमारे इफ एंड एल्स हैं वो कंप्लीट करके हम एंड तक ले आएंगे। फिर हम जाएंगे कि अगर शुरू में ही हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो गई होती तो क्या होता, उस केस में हम B को फिर मैच करते C से। जैसे हमने यहाँ पर A को C से मैच किया A के बड़े होने पे, वैसे हम यहाँ पर B के बड़े होने के बाद B को C से मैच करते। अगर ये कंडीशन ट्रू आती तो हम B ग्रेटर बोलते, और अगर ये कंडीशन फॉल्स आती तो हम बोल देते कि C इज ग्रेटर। इस तरीके से हमने इसके सारे इफ्स एंड बट्स बता दिए और ये फ्लो चार्ट हमारा बन गया। अब हम इसकी चलिए प्रोग्रामिंग करते हैं। यही प्रोग्राम में हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्या करना है हमको यहां से A, एक और हमें इनपुट ले लेना है C इक्वल टू int इनपुट एंटर another नंबर। जो मैसेज आपको दे रहा हूं वो तो मैसेज तो आपके ऊपर है। तो हमने सबसे पहले यहां से देखते हैं कि हम सबसे पहले A और B को चेक करेंगे आपस में मैच कराए थे कि इस तरीके से। तो इसके ट्रू होने पे क्या करना है, इसके ट्रू होने पे फिर से कंडीशन आई, जहां जहां ये कंडीशन आएगी वहां वहां इफ लगेगा। तो इसके ट्रू होने पे फिर से एक कंडीशन, यानी कि फिर से एक इफ, और इस बार हम चेक कर रहे हैं ए को सी से। अगर ये कंडीशन भी ट्रू होती है तब हम प्रिंट करते हैं ए इज ग्रेटर, तो यानी कि हम यहां पर लिखेंगे प्रिंट ए इज ग्रेटर और इसको बंद कर देंगे। फिर इस इफ का एल्स, सबसे पहले हम इस इफ का एल्स बंद करेंगे, इफ इस इफ का एल्स। तो इस वाले इफ का जो एल्स है उसके ठीक नीचे हम यहां पर लिखेंगे, इसका ब्लॉक बनाया और प्रिंट, और यहां पर जो मैसेज था हमारा C इज ग्रेटर, यहां पर मैसेज क्या था C इज ग्रेटर, हमने मैसेज दिया। फिर इसके बाद हम इससे भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये तो हमारा काम होकर एंड हो गया। अब हम इसके एल्स पे जाएंगे, यानी इस कंडीशन के एल्स पे, ये कंडीशन हमारी यहां पर लिखी हुई है, इसके एल्स में जाएंगे। अब हम एल्स लिखेंगे यहां पर, और इसके एल्स में फिर से कंडीशन है, गौर से देखिए फिर से एक कंडीशन है, तो हम फिर से एक इफ लिखेंगे यहां पर। अब की बार हम मैच करा रहे हैं बी ग्रेटर देन सी, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम प्रिंट करेंगे बी इज ग्रेटर, और इस इफ का एल्स अब हम बंद करेंगे, यानी कि इस वाले इफ का एल्स हम लोग बंद करेंगे, एल्स प्रिंट सी। ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसको रन करके देखते हैं हम लोग। और रन करने के लिए एक ये आपके सामने आ गया बॉक्स, पहले मैं ऐसे कर लेता हूं, ये आपका प्रोग्रामिंग और ये आपका आउटपुट। तो आउटपुट के देखते हैं, सबसे पहले सेव किया, रन किया, एंटर अ नंबर पूछ रहा है, आप कुछ भी दे दीजिए 34 65 अनदर नंबर और एक और दे दीजिए 23। तो ये क्या देना चाहिए, इसको बी इज ग्रेटर देना चाहिए। तो ये देखिए आपका बी इज ग्रेटर लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब हमारा ये प्रोग्राम एकदम करेक्ट है। आप और भी वैल्यूज डालकर इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके, जब इफ के अंदर इफ लग जाता है दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ,
इफ के अंदर इफ, यानी ये घोंसला बनाता हुआ चला जाता है, नेस्टेड इफ लग जाता है। तो ऐसे ही आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, चार नंबर में से बड़ा नंबर निकालने के लिए फ्लो चार्ट थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा और इसी तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग होगी। तो अब हम लोग यहां पर एक और छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं जहां पर हम लोग सीखेंगे लेडर इफ, मतलब इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इस तरीके से चला जाए। तो उसके लिए क्या करना है, हमको एक छोटा सा प्रोग्राम सोच लेते हैं कि हमको रिजल्ट निकालने वाला प्रोग्राम लिखना है। सपोज हमें कोई रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट में भी वो कि हमने आउट ऑफ 500 मार्क्स एंट्री किए, आउट ऑफ 500 जो भी हम टोटल मार्क्स दें उसका परसेंटेज निकालेंगे। अगर परसेंटेज आपका 33 से बिलो होता है तो आप फेल, 33 से लेकर 44 तक होता है तो आप थर्ड, 45 से लेकर 59 तक होता है तो आप सेकंड, 60 से लेकर अबव, 60 से अबव हम फर्स्ट डिवीजन मान के चलते हैं। हम ये तीन क्राइटेरिया ही लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें करते हैं प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग के लिए हम यहाँ पर एक टोटल ले लेते हैं, टोटल इक्वल टू इंट इनपुट एंटर मार्क्स, एक ये मैसेज दिया। अब ये टू बी अंडरस्टूड है कि मैं इसमें 500 में से मार्क्स आपके एंट्री करूंगा, उसके बाद मैं परसेंटेज निकालूंगा, परसेंटेज इक्वल टू होगा टोटल टोटल ऑब्लिक 5। जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो ऑब्लिक 5 आएगा 100, या आप कर सकते हैं टोटल इंटू 100 अपॉन 500 बात देखिए। अब आप यहां पर मैच करेंगे, इफ परसेंटेज इज लेस देन 33 देन यू विल प्रिंट फील्ड। अब हम यहां पर इसका एल्स लिखेंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे और लिखेंगे यहां पर इफ ईआर इज लेस देन 45। देखिए 33 से तो यहां तब भी आएगा जब ये 33 से ऊपर होगा, तो मुझे फिर ऊपर वाली लिखने की कंडीशन जरूरत नहीं, मैं सिर्फ लोअर कंडीशन लिखूंगा। अब एक चीज और इसमें बता दूं कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको एक शॉर्ट इसमें दिया हुआ है पाइथन में, एक इसका शॉर्ट नोटेशन है कि हम इसमें एलिफ प्रयोग कर सकते हैं, एलिफ दिस इज द मींस एल्स, और उसके अंदर इफ की जगह हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट एलिफ, तो ये हमारे लिए और थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये इफ एलिफ, और आपने प्रिंट किया कि आप थर्ड डिवीजन है, और फिर आपने एक एलिफ लगाया ER is less than, अगर आपका 60 है तो मतलब 59 के आसपास, 59 से नीचे और 45 से तो ऊपर ही आएंगे तभी आप इस कंडीशन में आएंगे। तो इसके लिए आपको करना होगा प्रिंट सेकंड, और फिर से एक एलिफ लगाया, एलिफ मत लगाइए अब, तो यानी कि इसके एल्स में कर दीजिए आप इसको, क्योंकि 60 से जब ऊपर होगा तभी ये एल्स में आएगा, तो एल्स आप सीधे लगा दीजिए और कर दीजिए प्रिंट फर्स्ट डिवीजन, और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको मैं अब रन करता हूं, ये तो टोटल मार्क्स मान लीजिए मैंने दिया 400, तो 400 आपका नियर अबाउट 80% हो जाता है, तो उसके लिए ये आपको देगा फर्स्ट। फिर से रन करता हूं इसको, अब की बार में इसमें 200 नंबर दे देता हूं, 200 नंबर का मतलब ये आपका थर्ड डिवीजन के आसपास आ गया, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। ये हमारा लेड एरिफ हो गया जिसमें एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लगा हुआ चला गया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज पॉज करके आप इसको देख लीजिए। तो जहां पर भी कंडीशन मैचिंग की बात आए, ट्रू और फॉल्स की बात आए, वहां पर हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं। बाकी और लैंग्वेजेस की तरह यहां स्विच स्टेटमेंट नहीं होता, हमें सारे काम इस इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ ही करने पड़ते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड नंबर 3 जिसमें हम लोगों ने इफ एल्स को प्रयोग करना सीखा, और अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लूप के साथ काम करते हैं। ऐसे करके पहले तो मैं बेसिक जो प्रोग्रामिंग है वो सारे इस सीजन 1 में कंप्लीट करूंगा। सीजन 2 में हम लोग पाइथन के माइनर माइनर चीजें देखेंगे, बहुत जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो पाइथन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो हमारा जो सीजन 1 है वो हमारा टोटल पाइथन बेसिक्स के ऊपर आधारित है, इसके मैं डेली नए एपिसोड्स बनाता जा रहा हूँ, और साथ ही साथ मेरा आज एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग क्लास 12th के लिए लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।